राम राम मित्रों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। नई वैकेंसी निकली है, होम गार्ड भर्ती परीक्षा 2020, इसके बारे में आपको सूचना दूंगा, ठीक है दोस्तों। होम गार्ड की वैकेंसी निकली है, भर्ती चाहे कोई सी भी हो लेकिन भर्ती होनी चाहिए, ठीक है। भर्ती चाहे आपके तन पर हो, चाहे मेरे तन पर हो, चाहे एनसीसी को, चाहे वो स्काउट गार्ड की भर्ती, आखिर भर्ती होती है, ठीक है दोस्तों। आओ बात करें होमगार्ड में। होमगार्ड की वैकेंसी निकली है, अब अपन पूछ लिए पहले क्वेश्चन ये पड़े। होमगार्ड को एडीजे कौन है? एडीजे कौन है? राजीव दासोत। कौन है? राजीव दासोत। वो निकाले सब 2500 पद भरे वैकेंसी। कितना पद निकाली है? 2500 पद भरे। एक आवेदन कब स्टार्ट है? आवेदन स्टार्ट 10 जून ऐसा, और तंत्र चाल सी 9 जुलाई 2020 तारीख का आई है आवेदन साल से, ठीक है। आवेदन का तो स्टार्ट है 10 जून 2020, 9 जुलाई 2020 तारीख, ठीक है। होमगार्ड प्रति परीक्षा है, एनडी जी कौन? राजीव दासोत। वो निकले सब 2500 पद प्रति। आवेदन स्टार्ट है 10 तारीख को, 10 जून स्टार्ट है, कितना तारीख चाली 9 जुलाई तक, ठीक है। आप बात करना होमगार्ड का मान कहीं कहीं दस्तावेज आए थे, देखो दस्तावेज दो आए थे। चयन प्रक्रिया में मूल निवास आए थे, मूल निवास होना चाहिए 3 साल को बेटा को वो होना चाहिए थे, ठीक है। 3 साल तक बेटा को निवासी होना अनिवार्य है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र को जिस जगह भी कास्ट हो भी को जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता का ही, शैक्षणिक योग्यता को देखो 8वीं पास होना चाहिए, 8वीं पास। आगे वो चाहिए के ग्रेड हो, बी एड ग्रेड हो, एम ए ग्रेड हो, बी एस सी ग्रेड हो, बी ए ग्रेड हो, क्यों चाहिए, लेकिन 8वीं पास जरूर होना चाहिए। आयु गति होनी चाहिए, आयु देखो 18 या 35 था, 18 साल ऊपर होना चाहिए, 35 साल नीचे होना चाहिए, ठीक है ना। घड़ो बुढ़े काम को नहीं, घड़ो नहीं काम को नहीं, ठीक है ना। 18 साल ऊपर होना चाहिए, 18 साल को जो कोई आवेदन कर सके, ठीक है। अरे 35 साल आयु कम होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करें विशेष योग्यता प्रमाण पत्र कहीं कहीं, देखो जगह कहीं खेल को सर्टिफिकेट है ना, सर्टिफिकेट 2000 के, एक नेशनल को नेशनल वाले मिल सी, एक माए 4 नंबर, जबकि नेशनल को सर्टिफिकेट अभी कता नंबर मिली 4, ठीक है। जबकि स्टेट को सर्टिफिकेट अभी कता नंबर मिल सी 2, ठीक है ना। जबकि नेशनल को सर्टिफिकेट अभी कता नंबर मिल सी 4, और जबकि स्टेट को सर्टिफिकेट अभी कता नंबर मिल सी 2, ठीक है। सर्टिफिकेट खेल का अनिवार्य है, ठीक है ना। अब बात करें कंप्यूटर डिप्लोमा की, RSCIT को मान जो RSCIT, जबकि अगर RSCIT को डिप्लोमा है बिन कता नंबर मिल सी 3, ठीक है। ध्यान दे लीजिए, विशेष योग्यता प्रमाण जगह के खेल में नेशनल सर्टिफिकेट है बिन तो कता नंबर मिल सी 4, ठीक है। और जगह के स्टेट को बिन कता नंबर मिल सी 2, जगह के कंप्यूटर को डिप्लोमा RSCIT को बिन कता नंबर मिल सी 3। आगे बात करें एनसीसी को तेसरा जानो 3 सर्टिफिकेट मिल जा रहे हैं, ABC, जगह कन ए 3-4 नंबर मिल सी, जगह कन बी ए 3-6 नंबर मिल सी, जगह कन सी ए बिन कता नंबर मिल सी 8, कता मिली NCC के माध्यम 3 सर्टिफिकेट मिल जा रहे हैं ABC, जगह कन ए बिन कता नंबर मिल सी 4, जगह कन बी ए बिन कता नंबर मिल सी 6, जगह कन सी ए बिन कता नंबर मिल सी 8। स्काउट गाइड, स्काउट गाइड का मतलब है देखो राष्ट्रपति सम्मानित है भी तो नंबर मिल सकता है 5, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित व्यक्ति को कितने नंबर मिलेंगे 5, देखो राज्य जो सम्मानित है उसको कितने नंबर मिलेंगे 3, राष्ट्रपति सम्मानित है 5 मिल सी, और जो को राज्य महानगर सम्मानित है कितना नंबर मिल सी 3, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें, ड्राइविंग लाइसेंस में देखो ये तो भारी वाहन चलावे, ये छोटा वाहन चलावे, 2 टायर वाला चलावे, 4 टायर वाला चलावे, ठीक है ना। जो 4 टायर वाला चलावे बिन तो मिल सी 3 नंबर, ठीक है। और जो हड़को वाहन चलावे बिन मिल सी 2 नंबर, ठीक है। 4 टायर वाला मिल सी 3 नंबर, 2 टायर वाला मिल सी 2 नंबर, 2 टायर याद आ जाओ 2 नंबर, ठीक है ना। होगी विशेष योग्यता प्रमाण पत्र के मान। देखो वैकेंसी का नाम होमगार्ड है, लेकिन वेतन वेतन 1 जनवरी का 693 है,
कितना रुपया है 693 रुपया, एक दिन का 693 रुपया, तो सोचो एक महीने का कितना हो गया लगभग 21,000 रुपए। 21,000 रुपये मिले सके नौकरी मिले ठंडा आ नौकरी मिल जाए देखे नहीं नौकरी भी मिल जाए ठीक है। कितना रुपया मिला एक दिन का 693 रुपया जो को चतुर्थ श्रेणी को बोलेंगे ठीक है। चतुर्थ श्रेणी वाले कितना मिले 590 रुपया लगभग 600 रुपया मिला 18,000 रुपया एक हो जाए ठीक है ना। वेतन निगम को नहीं है सक सके जॉब और मिलेगी होम गार्ड की ठीक है ना। वैकेंसी निकले आवेदन 10 तारीख को शुरू है और 9 जुलाई तक चाल सी। अब देखो कुल पद कितना है 2500 पद है एक मायने अलग अलग है आरक्षण भेजे। देखो अब आरक्षण की बात करें मूल निवास 3 साल पुराना होना चाहिए ठीक है। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता कहीं होना चाहिए 8वीं पास होना चाहिए ठीक है। अब बात करें आरक्षण की आरक्षण में देखो महिला मिलेगा 30% को मतलब जगह आपने पद है 2500 ठीक है। 2500 में 30% तो महिला लाख अब देखो 2500 का 30% कता है अति तो मैं दाती हुई 750 पद की कौशी महिला का है ठीक है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक कतो है देखो भूतपूर्व सैनिक है मांगने सेवानिवृत्त को प्रमाण पत्र है माने 12.5% को आरक्षण है ठीक है। कतो है महिला 30% है भूतपूर्व सैनिक कतो है 12.5% ठीक है। 30% मतलब 750 2500 मतलब 750 तो अने महिला जैसी भूतपूर्व सैनिक 12.5 है इधर ही कहूँ परसेंट है निकाल दीजिए ठीक है। अब होगी आरक्षण की बात विशेष योग्यता। अब आप बात करें शारीरिक दक्षता एक मान सब गया था महत्व रखते हैं ठीक है। इनकी आप बात करा देखो शारीरिक दक्षता में देखो पहले आप पुरुषों की बात करें छोरा की बात छोरा में देखो हाइट गति होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर प्लस चाहिए ठीक है। 168 सेंटीमीटर या 168 सेंटीमीटर ऊपर होना जरूरी है ठीक है। आवेदन कर सके लेकिन हाइट अति होनी जरूरी है आवेदन तो चाहे 165 वाला कर दो लेकिन आगे निकाल जैसी ठीक है ना 168 जगह की हाइट उसी वो फिर जैसे आएंगे ठीक है। अब बात करें आप सिन्ने की सिन्नू होना चाहिए 81-86 5 सेंटीमीटर वाई होना चाहिए खुला हो लेकिन शरीर फिट होना चाहिए 5 सेंटीमीटर को खुला हुआ अनिवार्य है ठीक है ना। चिन्नू को 81-86 सेंटीमीटर ठीक है ना। अब बात करें दौड़ की दौड़ का अंक मिल जाकर सबको ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मान लीजिए दौड़ को जाकर ठीक है। दौड़ भगती है 1 किलोमीटर की दौड़ उसी ठीक है ना ओनली 1 किलोमीटर की दौड़ उसी। अब देखो टाइमिंग देखा 3 मिनट 10 सेकंड एक जो को दौड़ कर 3 मिनट 20 सेकंड एक दौड़ कर 3 मिनट 40 सेकंड ठीक है। जो को बंद 30 मिनट 10 सेकंड में दौड़ कर जैसे भी तो कता नंबर मिल से 30 नंबर मिल सा हो जाओ ठीक है। जो को तो वाको दौड़ 30 मिनट 20 सेकंड लगा भी इंसान नंबर 7 टों काट जो 30 मिल से ठीक है। और भी हड़को है जो सब पैसा किया जो 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ को आ गया तीन सा नंबर मिली आधा नंबर मिल सी कता नंबर मिल सी 15 नंबर मिली ठीक है ना। देखो पुरुषा के लिए गाई हो कहता है हाइट गति होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए ठीक है। सिन्नो को तो होना चाहिए 81-86 5 सेंटीमीटर को आए होना चाहिए खुला होना चाहिए। दौड़ गति है 1 किलोमीटर की दौड़ है ठीक है अलग अलग अंक मिल सी देखो 3 मिनट 10 सेकंड में पार कर जैसे भी पहली पहली लेकिन तो कता नंबर मिल जी 30 नंबर मिल जी मैंने 3 मिनट 20 सेकंड में पार करी जगन कता नंबर मिली 23 नंबर मिली देखो 3 मिनट 40 सेकंड में पार करी जगन कता नंबर मिली 15 नंबर मिली। अब की पुरुषा की योग्यता ठीक है। सुमन भाई को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे बात करा आप महिला की कन्या की बात करा और होम कार्ड के मान छोड़िए हम बिल्कुल आवेदन कर सके महिला
महिला के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए? महिला के लिए हाइट सा होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। 152 सेंटीमीटर की जबकि महिला है आवेदन कर सके, बाकी की आवेदन कर सके बना के फिट बनू है, ठीक है ना। 152 सेंटीमीटर तो होनी अनिवार्य है, ठीक है। अब हमारे देखो महिला को वजन भी होना चाहिए 47.5 kg, ठीक है ना। 47 किलो 500 ग्राम तो ऊपर होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। बतो तो आपके शरीर के हिसाब कति हो सके, ठीक है ना। हाइट कति होगी 152 सेंटीमीटर, वजन कत होगा 47.5 kg। अब बात करें दौड़ की, थोड़ी कम भी दौड़ सी दिया तो छोया बारे सकड़ा आगे निकल गई हर फील्ड कमाए। दौड़ देखो 800 मीटर की कती है, 800 मीटर की दौड़ है, ठीक है ना। अब आके देखो टाइम कहीं कहीं है 3 मिनट 20 सेकंड, 3 मिनट 40 सेकंड, 4 मिनट 30 सेकंड, लेकिन सॉरी 3 मिनट 20 सेकंड में दौड़ पार करिए पिन का पूरा नंबर खत्म मिल जैसी 30, ठीक है। लेकिन 3 मिनट 40 सेकंड में पार करिए पिन का 23 नंबर 7 नंबर का 8 जो 7, और उसे थोड़ी हल्की दौड़ी 4 मिनट 30 सेकंड लगा सी पिन का नंबर मिल सी आधा नंबर मिली खत्म मिली 15 नंबर मिल सी, ठीक है ना। तुम्हारे जो महिला के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, वजन कितना होना चाहिए 47.5 kg, दौड़ कितनी होनी चाहिए 800 मीटर की, ठीक है। 3 मिनट 30 सेकंड पार करिए बिंदु 30 नंबर मिल जैसी, 3 मिनट 40 सेकंड पार करिए बिंदु 23 नंबर मिल सी, 4 मिनट 30 सेकंड में पार कर सीबिन का नंबर मिल सी 15 नंबर मिल सी, ठीक है। ये होगी शारीरिक दक्षता की बात होगी। आगे देखो, अब देखो एक मान आपको बात करा कि भाई एक मान देखे कोई सिलेक्शन को भी करिए लाइफ टाइम ये हुआ कि देखो लाइफ टाइम हो रहा एक नियुक्ति की जा करें नियुक्ति कितना वर्ष के लिए करें 5 वर्ष के खातर, 5 वर्ष के लिए कि नियुक्ति करे भी वास्ते 6 महीना पहले तो पुलिस को नंबर होगा सर्टिफिकेट का वेरीफाई करवाया करा वो जरूरी है, एक अस्पताल के मायने वो जरूरी है, ठीक है ना। आगे नियुक्ति कर दी 5 वर्ष खातर, ठीक है। 5 वर्ष की नियुक्ति कर दी, 5 वर्ष सेवा दिए होने के बाद के मायने वापस जगह 5 साल की सेवा दे देगी कोई उसी मेडिकल वर्ग मेडिकल में जो फिट हो जाए बिना आगे के वास्ते भी वापस होमगार्ड में रखिए हुए, ठीक है। तो एक बार तो नियुक्ति कितना वर्ष के लिए हुआ 5 वर्ष के हुए, ठीक है। मेडिकल उसी अगर फिट हो जाए जब इन्हें आगे भी राख जो वेतन मतान बता दियो एक दिन को 693 रुपया मतान बता दियो, देखिए एक महीने में कितना है लगभग मान लो 21,000 रुपया हुआ है, ठीक है ना। जो को चतुर्थ श्रेणी को है दिन है 590 रुपया, ठीक है, लगभग 18,000 रुपया हुआ है, 18,000 रुपया हुआ है। सके नौकरी और मिले, नौकरी मिले तो थाना बता दियो सके छोकरी भी जरूर मिले, ठीक है ना। आओगे देखो होमगार्ड भर्ती परीक्षा की बात है, जल्दी में जल्दी आवेदन कर लीजिए, 10 जून स्टार्ट है। देखिए अगर कंप्यूटर को डिप्लोमा नहीं है RSCIT को बोले जो आवेदन शुरू है, कोई से भी मित्र प्रचार आपके जगह भी पार्ट पसंद हो गए प्रचार आवेदन ले जो, ठीक है। 10 जून स्टार्ट हो गई आवेदन है, 9 जुलाई ताने चालू सी, ठीक है। मतलब बता दियो वर्दी आपकी वर्दी होती है वो चाहे आपके तन पर हो चाहे मेरे तन पर हो चाहे NCC की हो चाहे स्क्वाड गाइड की हो, ठीक है ना। एक बार वर्दी पहन लो, ठीक है। अब होमगार्ड की अब बात कर लिया, जल्दी जल्दी आवेदन कर दीजिए, ठीक है ना। एक माइन रिटर्न बार कौन भी आगे सही थे इस जगह बार बता दिया आया साहब को नंबर मिल सी जगह जगह सर्टिफिकेट उसी पर आया साहब माने नंबर मिल जैसी शारीरिक दक्षता से पूछा था महत्व रखा, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपकी वजह से अगर जिसको नहीं पता है वो भी भरम लगा सके उसके भी फायदा हो सके, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।